अब हम लोग अध्ययन करेंगे बायोडायवर्सिटी के अंतर्गत कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप लोगों को जस्ट मैं अभी अध्ययन कराया बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो इसमें जो नीट में आए हुए जो क्वेश्चन है उसको भी मैं सबमिट करते हुए फॉलो करते हुए पढ़ाता हूं, ताकि आप लोगों को बारहवीं बायोलॉजी के साथ साथ नीट का भी अध्ययन हो सके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वहां पर नहीं पढ़ पाते हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बायोडायवर्सिटी का दो चार क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप लोग पहले बायोडायवर्सिटी का विस्तृत अध्ययन करेंगे और उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेंगे, ठीक है जी। कई बार ऐसे होता है कि हम लोग विस्तृत अध्ययन तो करते हैं लेकिन कुछ छोटे क्वेश्चन रहते हैं उसको अध्ययन वहां पर नहीं कर पाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन आया रहता है जो वहां पर थ्योरिकल में मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी नीट का तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं पहले थ्योरिकल का अध्ययन करते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस वर्क के लिए उस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 20 साल में आए रहते हैं उन सब का वो लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। एंडेमिक स्पीसीज, हाँ बताइए सर, एंडेमिक स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंडेमिक स्पीसीज कहाँ पाए जाते हैं, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाते हैं, एक कहने चाहिए लोकल क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि एक निश्चित क्षेत्र में पाए जाएंगे लेकिन वह पौधा किसी दूसरे स्थान या दूसरे देशों में नहीं पाई जाती है, उन पौधों को एंडेमिक प्रजाति कहा जाता है। मतलब एक विशिष्ट क्षेत्र में या एक लोकल या एक स्थानीय क्षेत्र में ही पाए जाने वाले पौधों को एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कृषि फसलों में जेनेटिक डायवर्सिटी को किससे खतरा है। मतलब कृषि के जो फसल है उसमें जो जेनेटिक डायवर्सिटी पाई जाती है, आप लोग को बताया था बायोडायवर्सिटी तीन प्रकार का होता है। पहला बताया था जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, दूसरा बताया था स्पीसीज बायोडायवर्सिटी और तीसरा बताया था इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी। तो कृषि के फसल में जो जेनेटिक बायोडायवर्सिटी पाई जाती है उसको खतरा किससे है, तो इसको खतरा है उच्च उत्पादन करने वाले किस्मों से। आप लोग को बताया था मैं, आजकल साइंटिस्ट या फिर जो भी फार्मर है अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए विदेशी प्रजाति का उपयोग कर रहे हैं। पता चलता है कि एक एकड़ में 30 क्विंटल उत्पादन होने वाला है, तो अपने जो लोकल प्रजाति है, स्थानीय प्रजाति है, देसी प्रजाति है, उसको बंद कर देते हैं फसल लगाना, जो विदेशी प्रजाति है उसको लगाना शुरू कर देते हैं। तो उच्च उत्पादक प्रजातियों के आने से जो कृषि में जो बायोडायवर्सिटी है उसको क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है गिब्बन, ठीक है, मैमल्स है। गिब्बन भारत के एकमात्र कपि है, मतलब बंदर है, ठीक है। गिब्बन भारत का एकमात्र कपि है, ये कौन से नेशनल पार्क में पाए जाते हैं, तो यहां पर उत्तर है काजीरंगा पक्षी अभयारण्य। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाई जाती है, जो एक सिंह वाले गेंडे के लिए क्या है, फेमस है। तो वहां पर कहना चाहिए काजीरंगा पक्षी अभयारण्य है, इस अभयारण्य में कहना चाहिए जो गिब्बन है भारत एक मात्र कपि है वही कहना चाहिए पार्क में स्थित है या फिर अभयारण्य में स्थित है, क्लियर। आगे क्वेश्चन है बाघों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है, तो आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते मैं बताया था जो सुंदरवन नेशनल पार्क है 24 परगना पश्चिम बंगाल, यहां पर सबसे अधिक टाइगर की जनसंख्या पाई जाती है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे पहले सफेद टाइगर कहाँ देखा गया, तो इसको भी आप लोग को बताया था मैं, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, इसी में सबसे पहले व्हाइट टाइगर देखा गया। उसके बाद है नंदन कानन जो प्राणी उद्यान है जो उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है, ये किस लिए फेमस है, तो वहां पर उत्तर में है पहाड़ी बकरा, ठीक है। इसके लिए कहने की नंदन कानन प्राणी उद्यान फेमस है। अगला क्वेश्चन है इकोटोन में किस प्रकार की जातियां पाई जाती है, तो आप लोग को मैं इकोसिस्टम में बताया था दो इकोसिस्टम के बीच में जो स्थान होते हैं जो भूमि होते हैं इसको इकोटोन कहा जाता है,
वहां पर प्राणियों या बायोडायवर्सिटी के घनत्व दोनों इकोसिस्टम से क्या होती है, ज्यादा होती है। और यहाँ पर पाए जाने वाले स्पीसीज या फिर प्रजाति को क्या कहा जाता है, एज एनिमल। और यहाँ पर जो प्रभाव होता है उसको एज इफेक्ट कहा जाता है। क्लियर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक अनुवांशिक विविधता किस पादप में पाई जाती है। सबसे अधिक अनुवांशिक विविधता मतलब जेनेटिक बायोडायवर्सिटी सबसे अधिक किस पादप में पाई जाती है। ठीक है, तो आप लोगों के पास मान लो दो ऑप्शन रहेगा, एक आम का रहेगा एक धान का रहेगा, तब धान के ऑप्शन को प्राथमिकता देना है, क्योंकि धान में कहना चाहिए इनकी बहुत प्रजाति है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी कहना चाहिए 40,000 से ज्यादा इनकी प्रजातियां हैं। ठीक है, यदि ऑप्शन में धान नहीं है तब आम को ध्यान देना है, क्योंकि आम में भी बहुत अधिक क्या पाई जाती है, अनुवांशिक विविधता पाई जाती है। ठीक है, आम आपके गांव में देखेंगे जैसे 50 पौधे हैं आम का, तो 50 आम के पौधे होते हैं वो सब एक दूसरे से जेनेटिक वेरिएशन दर्शाते हैं, अनुवांशिक विविधता को दर्शाते हैं। मतलब 50 आम का पौधा है तो 50 आम का जो फल होता है उन सब का स्वाद क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये हो गया आप लोगों का जेनेटिक बायोडायवर्सिटी, तो सबसे अधिक धान में, सेकंड सबसे अधिक आम में। अगला क्वेश्चन है, विख्यात कस्तूरी मृग किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। तो इसको आप लोग को मैं पढ़ाते पढ़ाते बताया था, जम्मू कश्मीर का एक नेशनल पार्क है, ये सेंचुरीज है, डचिगम नेशनल पार्क। ठीक है, ये कस्तूरी मृग के लिए जाने जाते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी का नाम, ठीक है, तो नाम तो सुने हैं हम लोग डॉल्फिन, लेकिन एक बार ये सेट में आया था, डॉल्फिन तो था ऑप्शन में लेकिन दो ऑप्शन में दिया था, एक था समुद्री डॉल्फिन, एक था नदी का डॉल्फिन, एक था इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, डॉल्फिन तीनों में है, हमको तो पहले से पता है कि राष्ट्रीय एनिमल प्राणी क्या है, तो डॉल्फिन है, लेकिन तीन ऑप्शन में डॉल्फिन, समुद्री डॉल्फिन, नदी का डॉल्फिन, इरावदी डॉल्फिन, तो उत्तर में है नदी का डॉल्फिन, ये राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। जैसे कि राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं तो मोर आता है, पिकॉक, पाओक्रिस्टस। ठीक है, जैसे कि राष्ट्रीय पशु कहते हैं तो टाइगर आता है, तो उसी प्रकार से राष्ट्रीय एनिमल मतलब जली एनिमल, ठीक है, तो नदी का डॉल्फिन। फ्लेमिंगोज कहां प्रजनन करते हैं, ऐसे क्वेश्चन थ्योरिकल में नहीं मिल पाते हैं, एक जंतु है फ्लेमिंगोज कहां प्रजनन करते हैं, तो ये चिल्का झील में प्रजनन करते हैं फ्लेमिंगोज। क्लियर। अगला क्वेश्चन है WWF, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लोग को फुल फॉर्म बताया था मैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसका लोगो या फिर चिन्ह को पूछा जाता है तो सफेद पांडा, जायंट पांडा, इसको लाल पांडा भी कहा जाता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन है, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। क्लियर। साइबेरियन क्रेन पक्षी, साइबेरिया एक देश है, साइबेरियन क्रेन पक्षी ये तेज गति से उड़ने वाले पक्षी है, संभवतः पक्षियों में ये सबसे अधिक तेज गति से उड़ने वाले पक्षी है, साइबेरियन क्रेन पक्षी। तो साइबेरियन जो क्रेन पक्षी है भारत का एक नेशनल पार्क है, नेशनल सेंचुरी है, वहां का कहना चाहिए ठंड के दिनों में आते हैं और कुछ दिन रहते हैं और फिर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि साइबेरियन क्रेन पक्षी कौन से हमारे देश के नेशनल पार्क या सेंचुरीज में आते हैं। ठीक है, तो उत्तर है राजस्थान के भरतपुर जिले में, राजस्थान के भरतपुर जिले में ये कहना चाहिए घना पक्षी विहार है, वहीं कहना चाहिए हर साल आते हैं, नियमित रूप से आते हैं, केवला देव घना पक्षी विहार, जिला भरतपुर और राज्य राजस्थान, आते हैं ठंड के दिनों में आते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर वापस चले जाते हैं। तो यह हो गया आप लोगों का बायो डायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो पहले आप लोग थ्योरिकल अध्ययन को करेंगे,
और उसके बाद ऑब्जेक्टिव को अध्ययन करेंगे। ठीक है, इससे कहने चाहिए आप लोगों को नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायता मिलेगा, या फिर आप लोगों को जैसे 12वीं में ही कहने चाहिए आप लोगों को विस्तृत ज्ञान हो जाएगा, मतलब थ्योरिकल भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्लियर। अब 12वीं बायोलॉजी में कहने चाहिए केवल एक ही चैप्टर बच गया है अभी वर्तमान समय में, क्योंकि कोविड-19 के कारण कुछ चैप्टरों को अभी हटा दिया गया है, तो उन चैप्टरों का अध्ययन हम लोग अभी नहीं किए हैं। तो केवल एक दूसरे चैप्टर बचा हुआ है पुष्पी पादप में लैंगिक जनन, और लास्ट का एक चैप्टर है इन्वायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, इसके बाद 12वीं बायोलॉजी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आप लोगों को 12वीं बायोलॉजी में 90+ अंक लाना है। नीट बायोलॉजी का अध्ययन आप लोग 11वीं-12वीं में ही रहते हुए पूरी 100% फ्री तैयारी करना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, बायोलॉजी क्लास प्रमोद यादव, उसको आप लोग अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो 12वीं के उन स्टूडेंट्स को, 11वीं के उन स्टूडेंट्स को जो आगे चलकर बायोलॉजी से अपना करियर बनाना चाहते हैं, 12वीं बायोलॉजी में 95 अंक लाना चाहते हैं, नेट बायोलॉजी में 250 से 300, या फिर 11वीं-12वीं में रहते ही बिना कोचिंग किए आप नेट बायोलॉजी में अधिकतम अंक लाना चाहते हैं, तो आप लोग तुरंत सब्सक्राइब करिए और मेरे जितने भी वीडियो है उसको आप लोग चैप्टर वाइज और पार्ट वाइज अध्ययन करिए, आप लोगों को भविष्य में जरूर लाभ होगा। ठीक है जी, तब तक के लिए इतना ही, अगले दिन अध्ययन करेंगे पर्यावरणीय मुद्दे के साथ। ठीक है, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।